जब भी हमें कुछ हल्का फुल्का और हेल्दी खाने का मन करे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इडली का ऑप्शन आता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रवा इंस्टेंट इडली। इसको हमें बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और इसको आप सांभर के साथ खा सकते हैं, और अगर सांभर नहीं है तो आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसमें पतली सूजी भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला ये 3/4 कप खट्टी दही, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम 30 मिनट तक ढक के रखेंगे ताकि इडली अच्छे से फर्मेंट हो जाए, फिर हम इसका इडली का बैटर बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने अच्छे से हम इसे मिक्स कर रहे हैं। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ढककर 30 मिनट तक रखेंगे। तब तक हमने एक पैन में तेल डाला 1 चम्मच, थोड़ी सी राई 1 चम्मच, उसके बाद हमने इसमें डाला उड़द दाल 1 चम्मच, 1 चम्मच चने की दाल, हींग 1/4 चम्मच, कड़ी पत्ता। इसको अच्छे से हमने 1 से 2 मिनट तक पकाना है। उसके बाद हम इडली की ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर देंगे तेल के साथ। ये हमने 3 ट्रेज हैं और तीनों को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम हमारा जो ये इडली का बैटर है उसमें हम पानी डालेंगे। ध्यान रखें, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा हो गया तो बैटर काफ़ी पतला हो जाएगा। तो हमें बैटर का कंसिस्टेंसी उस हिसाब से बनानी है कि बैटर गाढ़ा रहे। इसमें हमने थोड़ा पानी डाला है। अब इसमें थोड़ा पानी हम और डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे तड़का जो हमने बना के रखा था। इनको अच्छे से मिक्स करें बैटर के साथ। इसको हमें तब तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से बैटर तड़के के साथ मिक्स ना हो जाए। ये देखिए, बैटर बनके तैयार हो गया है। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। अब इसमें डालेंगे हम बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स किया हमने। ये देखिए, बैटर हमारा तैयार हो गया है। हमने जो इडली के पॉट है उसमें हमने थोड़ा सा नींबू डाला है, उससे बर्तन काला नहीं होता। अब हम इडली की जो ट्रे है उसमें ये बैटर डाल रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिए 3/4 ही भरना है, इसे पूरा नहीं भरना, क्योंकि जैसे इडली फूलेगी तो वो पूरा अच्छे से भर जाएगा। याद रखिए, इसे थोड़ा थोड़ा ही भरना है हमें। तो ये देखिए, हमारी दूसरी ट्रे भी तैयार हो गई है। ये हमने दूसरी ट्रे पॉट में डाली। अब हम तीसरी ट्रे को भर रहे हैं। तो ये मैंने 1 कप सूजी ली है, उसमें से मेरी ये 12 इडलियाँ बन गई हैं। ये हमने तीसरी ट्रे भी रखी। अब हम कवर करके रखेंगे 15 से 20 मिनट तक। ये देखिए, 15 मिनट हो गए हैं। इसको हमने चेक किया। अब हम ट्रे को रख रहे हैं। चेक किया हमने इसको। ये देखिए, इडली बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको नाइफ से निकालेंगे। आप इसे स्पून से भी निकाल सकते हैं या स्प्रेडर से भी निकाल सकते हैं।
ये देखिए इडली रेडी हो गई है, कितनी सॉफ्ट इडली बनी है ये। अब हमने ये दूसरी इडली निकाली, ये देखिए इसकी ये भी कितनी सॉफ्ट इडली बनी है। ऐसे ही हम चारों इडली निकाल लेंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे सांभर और चटनी के साथ। तो ये देखिए हमारी इंस्टेंट रवा इडली बनके तैयार हो गई है।